बस जीव विज्ञान का प्रथम वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ या अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरी ये अभिलाषा है कि आप इस वीडियो से ज़्यादा ज़्यादा समझने का प्रयास भी करेंगे और कोशिश यदि करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ये पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले हम आपको कक्षा 10 यानी क्लास 10 बायोलॉजी, कक्षा 10 की जो बायोलॉजी पार्ट है, बायोलॉजी पार्ट के अंतर्गत आज हम आप लोगों से डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में चर्चा करूंगा कि जो भोजन है ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसको चबाने क्यों आवश्यक है, फिर इसका पाचन क्यों आवश्यक है, और फिर किस प्रकार से इससे पोषक जो तत्व होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है, इसके विषय में हम आपसे आज चर्चा इस फर्स्ट वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये भी लिख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कारण ये है कि पाचन की क्रिया हर प्राणी में अलग ढंग से, इसलिए आपको ह्यूमन लिखना आवश्यक है, नहीं तो कुछ लोग ये कहेंगे पता नहीं किस प्राणी के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही है, चर्चा कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आप में, तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र किससे कहते हैं, तंत्र क्या है, पहले इसको आप समझिए, बस आपको समझ में आ जाएगा सब। एक सिस्टम, तंत्र का मतलब सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम का निर्माण तब होता है जब बहुत से छोटे 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 बड़े पार्ट परस्पर कनेक्ट होकर के और किसी कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने की सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं, जिसे हम सिस्टम कहते हैं या तंत्र कहते हैं। तो आप आगे आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है यानी पाचन तंत्र। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा आप समझ लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम वह सिस्टम है या वह तंत्र है जिसके अंतर्गत पाचक अंग और जो पाचक ग्रंथियां होती हैं यानी एलिमेंट्री कैनाल तथा पाचक ग्रंथियों के संयुक्त रूप को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम देख लीजिए, ये दो चीज़ों के परस्पर मिलने से इसका निर्माण हुआ, कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपका एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम दिया है, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम। अब एलिमेंट्री जो कैनाल सिस्टम दिया हुआ है, अब इस एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम के समस्त अंग इसके बाद में जो इसके अतिरिक्त आपका जो दिया हुआ है क्या उसको कहते हैं, अरे क्या नहीं आ रहा, प्लस हाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड,
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दोनों का संयुक्त रूप ही डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों के परस्पर मिलने से डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हुआ, यानी पाचन तंत्र जो है उसका निर्माण हुआ। यानी मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र के निर्माण में सर्वमहत्वपूर्ण भूमिका एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं, ये दोनों परस्पर मिल करके ही डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण। अब ये है क्या एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का मतलब होता आहार। तो हिंदी ट्रांसलेट भी इसका किए दे रहे हैं, समझ लीजिए। और दूसरा है पाचक ग्रंथि। इन दोनों का संयुक्त रूप ही डाइजेस्टिव सिस्टम का, या परिभाषा आपको बहुत थोड़ा लॉन्ग लिखना है तो आप समझ लीजिए, पाचन तंत्र वह तंत्र है जिसमें भोजन को पचाने में शरीर के जितने भी अंग भाग लेते हैं उन समस्त अंगों के समूह को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र। चाहे वो आमाशय हो यानी स्टोमच हो, चाहे पंक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, यानी ए टू जेड कुछ भी हो, वो सभी अंगों के समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र जो मनुष्य का है, यानी सीधे कह लीजिए जो पाचन तंत्र है, वो पाचन तंत्र की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कह लीजिए, या पाचन तंत्र कह लीजिए, यानी आहार नाल या पाचन तंत्र कान लगभग कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा। कारण पाचक ग्रंथियां तो इसी आहार नाल के अंतर्गत ही आती हैं, साइड में पाई जाती हैं। तो आगे देख लीजिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लंबाई है, पाचन तंत्र की लंबाई है, ये लगभग 8 से 10 मीटर पाई। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है आठ से दस मीटर। ये कुल लंबाई होती है आहार नाल की, यानी जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम की कुल लंबाई आहार नाल, यानी मुख से लेकर के और एनस पार्ट जो होता है गुदा द्वारा होता है, ठीक है, जो एनस पार्ट होता है गुदा द्वारा जिसको कहते हैं, ठीक, कुल इसकी जो लंबाई होती है एनस पार्ट पर, यानी मुख से लेकर के और मलाशय के अंतिम छोर कि जो कुल लंबाई होती है मुख से लेकर के, वो 8 से 10 मीटर होती है। अब 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब आहार नाल का वो कौन सा अंग है जो सबसे पहले भोजन का पाचन करना शुरू कर देता है, उसके विषय में आप देख लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख, क्योंकि मुख से शुरू होकर के और मलाशय द्वार जो है वहाँ तक की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर, यानी मुख से लेकर के। तरकी दूरी जो होती है वह 8 से 10 मीटर होती है। ये लगभग 8 से 10 मीटर, ये 8 से 10 मीटर लंबी पाइप नलिका कह लीजिए, पाइप कह लीजिए, इसका हर जगह पर आयतन अलग अलग होता, कहीं पर ये पाइप नलिका मोटी होती तो कहीं पे सकरी होती, कहीं पर जो है कुंडलित होती, ये संरचना इस आपको मिलती। कारण यही है कि शरीर तो आप देख ही रहे हैं जितना बड़ा है, लेकिन इसके अंदर 10 मीटर लंबी है जो आहार नाल पाई जाती है,
इसका यही कारण है, कहीं पर तो ये कुंडलित है तो कहीं पर पिचकी हुई है, तो कहीं पर इसका व्यास ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित है। तो आप देख लीजिए मुख से मलाशय की दूरी 8 से 10 मीटर होती है आहार नाल की। तो अब सबसे पहले आप देख लीजिए मुख से एक्सप्लेन करना हम शुरू कर देते हैं, और मुख से एक्सप्लेन करने के साथ सबसे पहले हम जो है टीथ लेते हैं, दांतों से शुरू करते हैं आहार नाल। और ये जो है जो वकल कैविटी कह लीजिए या मुख के अंतर्गत सबसे पहले दांत आएंगे, तो दांतों का सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं और एक एक का एक्सप्लेन हम करना शुरू करें। दांतों का एक्सप्लेन है, जीवा का एक्सप्लेन है या मुख का एक्सप्लेन है। तो मुख का एक्सप्लेन कैसे किया जाए उसमें सीधे आप बता दीजिए कि हड्डियों के दो जबड़े पाए जाते हैं, उनके मध्य भाग में खाली स्थान होता है जिसे मुख गुदिका कहते हैं, जिसके अंदर हम सरलतापूर्वक भोजन को रखते हैं और फिर दांतों के द्वारा चबा चबा करके उसको शरीर के अंदर यानी आहार नाल में ढकेला जाता है या निकला जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए दांत जो तीत हैं, तीत देख लीजिए, ये वयस्क व्यक्ति में इनकी संख्या 32 होती है, वयस्क व्यक्ति में। दांतों की संख्या 32 होती, वयस्क व्यक्ति में जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें दांतों की संख्या 20 होती है, जिन्हें हम अस्थायी दांत भी कहते हैं। अस्थायी दांतों के नाम से भी उनको जाना जाता है, क्योंकि कुछ लोग या कहीं पर आप लिखा देखेंगे मिल्क टीथ, दूध के दांत या अस्थायी दांत, इनकी संख्या 20 होती है, लेकिन वयस्क व्यक्ति में 32 दांत पाए जाते हैं जिन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं या स्थायी दांत इनको कहा जाता है। कारण है ये एक बार टूट तो दोबारा ये नहीं निकलते, इसलिए इनको स्थायी दांत कहते हैं। अब ये जो दांत होते हैं मनुष्य के मुख में दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 types ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के दांतों का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वो 21:23:21:23 होता है। अब वो 4 प्रकार में उन दांतों के आपको बताए दे रहे हैं, वो कौन कौन से 4 प्रकार दांतों के होते हैं। बस आज जो है इन्हीं दांतों के साथ में हम अपना टॉपिक भी समाप्त कर देंगे, और अगला टॉपिक नेक्स्ट डे पर आहार नाल से ही संबंधित पढ़ाया जाएगा। सिस्टमैटिक ढंग से आपका सिलेबस चलेगा, ये नहीं है आज यहाँ से कल वहाँ से परसों वहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, तो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इसी के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप देख लीजिए 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, आप कैसे उनकी पहचान करेंगे, उनको क्या क्या कहते हैं या उनको क्या नाम दिया गया, तो आइए देखिए। तो सबसे पहले देख लीजिए दंत सूत्र, दांतों का सूत्र भी होता है। अब वो दांतों का सूत्र कौन सा होता है, स्थाई दांत यानी 32 दांतों का सूत्र देखिए पहले। इक्कीस
23 बटे 21 23। इक्कीस तेईस होते इक्कीस तेईस। अब इनको इंसाइडर कहते हैं, ये आई से लिखते हैं, इनको इंसाइडर कहते हैं, इंसाइडर इनको सी से लिखते हैं, कैनाइन इनको पीएम से लिखते हैं, पीएम का मतलब होता है प्री मूलर, और ये होते हैं मूलर। ये चार प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमूलर, मूलर। सामने सब लिखा हुआ है, आपका फार्मूला जो है सामने लिखा हुआ है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमूलर, मूलर। अब आप जोड़ लीजिए, देखिए कितने दांत होते हैं, 32 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस सूत्र के अनुसार 2 1 3 2 5 3 8, वही कंडीशन नीचे। ये अर्ध जबड़े का फार्मूला भैया दिया हुआ है, आधा जबड़ा जो है उसका सूत्र दिया हुआ है, 20 से आधा नीचे का दिया हुआ है और 20 से आधा ऊंचे का दिया हुआ है। तो आधे जबड़े में ऊंचे जब 8 हैं तो दो जबड़े होते हैं, कितने हो जाएंगे 8 × 16, और बटे नीचे जबड़े की भी कंडीशन वही हो जाएगी, तो बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई 32। ये दंत फार्मूला है, 21 23 बटे 21 23 होता है कुल दांतों की संख्या, ये आपकी अलग अलग हमने करके निकाल दिया है, कुल 32 हो गए। अब ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमूलर, मूलर्स, ये चार प्रकार के दांत होते हैं। चारों प्रकार में हम आपको बताए दे रहे हैं किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे, विधिवत समझने का आप प्रयास करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए आधे जबड़े में सामने से ऊपर लीजिए, दो चौड़े दांत लगे हैं इधर और दो इधर लगे हुए हैं, और यही कंडीशन नीचे भी दी है, यानी चार चौड़े दांत नीचे लगे हुए हैं, चार ऊंचे लगे हुए हैं, यानी दो ये नीचे हैं आधे जबड़े में, दो ऊंचे ऊपर जबड़े में, तो ऊपर कुल हो जाएंगे चार और नीचे भी कितने हो जाएंगे चार, चार चार आठ ही हुए। एक एक कैनाइन दांत दिया हुआ है, ये आप देखा होगा एक ऊंचे और एक नीचे आधे जबड़े में बहुत ही नुकीले दिए होते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपने देखा होगा कुत्तों में बहुत ही नुकीला एक दांत दिखाई देते हैं इधर उधर, बहुत ही भाले जैसी संरचना में, इस प्रकार से नोक उसमें पाए जाते हैं, इस प्रकार से दांत दिखाई देते हैं, ये नुकीला दांत एकदम, ये हम लोगों में भी पाए जाते हैं, जो इधर इनका मुख्य काम जो होता है वो चीरने फाड़ने का कार्य, जैसे आप गन्ना फाड़ते हैं या कुछ भी आपको जो कठोर चीज होती है उसको जो फाड़ने का कार्य करते हैं वो कैनाइन तीज के द्वारा ही करते हैं। और ये जो दांत होते हैं इंसाइजर, ये सिर्फ काटने का कार्य करते हैं, जैसे रोटी है, फल है इत्यादि को काटने का कार्य ये दांत करते हैं, लेकिन चीरने फाड़ने का कार्य ये नुकीले दांत ही करते हैं, जो मुख में कुल चार पाए जाते हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, इनकी संख्या कुल चार होती है। संख्या, कार्य, संरचना सब कुछ हम साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं। फिर आपने प्रीमूलर दिया है, ये जो प्रीमूलर दिए हैं इनको दाढ़ काट के सीधे कर लीजिए, जिनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है या पीसा जाता है, ये आपके दो इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, इनकी संख्या भी आपकी कुल 8 हो गई। इनके द्वारा भोजन को खूब कस के चबाया जाता है या ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं या पीसने का कार्य करते हैं, हर दांत का कार्य हम आपको बताते चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये काटने का कार्य करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, ये पीसने का कार्य करते हैं भोजन। फिर आपका आगे आ गया मूलर, ठीक, मूलर का मतलब आप ये समझ लीजिए मुद्दर जैसे दांत,
समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये सबसे पीछे पाए जाते हैं और ये बहुत ही चौड़े होते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है, बहुत ही चौड़े होते हैं, ये सबसे पीछे भाग में पाए जाते हैं, बहुत ही चौड़े होते हैं। इनकी संख्या ये आपके लिए है 6, ऊपरी जबड़े में होते हैं 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यानी 6 6 12। इनकी संख्या कुल मुख में 12 होती है, इनका कोई विशेष योगदान नहीं होता है। लेकिन जब ये आपके दांत प्रीमोलर्स गड़बड़ करते हैं, या कुछ लोग नहीं गड़बड़ कर रहे हैं फिर भी अपने सभी दांतों का उपयोग करते हैं, भोजन को सबसे पीछे लेके जाते हैं जीभ की सहायता से, फिर वहाँ पर उसको चबाते हैं, या कुछ लोग बीच में, या कुछ लोग भोजन को चबाने के लिए अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स या वस्तुओं को खाते पीते रहते हैं, जिससे दांतों का व्यायाम होता रहे या दांतों का एक्सरसाइज भी होता रहे। जैसे कुछ लोग गन्ना खाते हैं, उससे उसका एक्सरसाइज होता है, कुछ लोग काटने वाली चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज भी आपको ज़रूरी है। और दांतों की एक्सरसाइज क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के भोज पदार्थों का यूज करना, उपयोग करना, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसमें कृंतक, रदनक, अग्रचोरड़क, चौरड़क हिंदी होती है, कृंतक, रदनक, अग्रचोरड़क, चौरड़क, कृंतक और फिर रदनक होते हैं, इनको जो है कृंतक कहते हैं दांत। देख लीजिए हिंदी में बता रहे हैं, कृंतक, एक ये आपका दिया हुआ है, ये आपका 2 नंबर दिया हुआ है, 2 पॉइंट है आपके रदनक, कृंतक, रदनक, और ये आपका 3 नंबर है अग्रचोरड़क। अग्रचोरड़क और ये आपका जो 4 नंबर है, ये आपका दिया है चवरड़क। ये 4 प्रकार के दांत हिंदी अंग्रेजी दोनों हमने आपको बता दिया, और इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि इनका जो फार्मूला दिया है, जो 32 दांतों का फार्मूला दिया है, यानी परमानेंट जो दांत होते हैं, इस फार्मूले को आप अपने संज्ञान में डाल लीजिए। कारण है ये चीज़ आपको 10th में भी मिलेगी, 11th में भी मिलेगी और 12th में भी मिलेगी। अब कारण ये है कि आप कौन किस साइड से पढ़ रहे हैं, कलावर पढ़ रहे हैं या होम साइंस पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आपके टच में बायोलॉजी रहेगी तो ये बिल्कुल आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं से विधिवत समझने का प्रयास करिए। और अब हम आपको अस्थायी दांतों का फार्मूला भी बताए दे रहे हैं, बस अपने टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं यहीं पे। देख लीजिए अस्थायी दांतों का सूत्र, अस्थायी दांतों का जो सूत्र होता है वो 21-20/21-20 होता है, वो आपके सामने लिखा भी और वही चलेगा सर, जो स्थायी दांतों को पढ़ाई ही शायद कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मूलर, ये नील होते हैं, सीधे कहें ये दांत जो है बच्चों में नील होते, ये नहीं पाया जाता।
इनकी अनुपस्थिति पाई जाती है। ये दंत फार्मूला जो है अस्थायी दांतों का है, अर्थात जो दूध के दांत पाए जाते हैं इनको अस्थायी दांत कहिए, या कि फिर जो है दूध के दांत भी इनको कह सकते हैं, दूध के दांत। इनकी संख्या कुल 20 होती है, आप जोड़ लीजिए तो दोबारा ये नहीं निकलते, इसलिए इनको स्थायी दांत कहते हैं। अब ये जो दांत होते हैं, मनुष्य के मुख में दांत चार प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चार प्रकार के। मनुष्य के मुख में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इन चार प्रकार के दांतों का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वो 21:23:21:23 होता है। अब वो चार प्रकार में उन दांतों के आपको बताए दे रहे हैं, वो कौन कौन से चार प्रकार दांतों के होते हैं। बस आज जो है इन्हीं दांतों के साथ में हम अपना टॉपिक भी समाप्त कर देंगे, और अगला टॉपिक नेक्स्ट डे पर आहार माल से ही संबंधित पढ़ाया जाएगा। सिस्टमैटिक ढंग से आपका सिलेबस चलेगा, ये नहीं है आज यहाँ से कल वहाँ से परसों वहाँ से। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, तो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इसी के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो अब देख लीजिए चार प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, आप कैसे उनकी पहचान करेंगे, उनको क्या क्या कहते हैं या उनको क्या नाम दिया गया। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले देख लीजिए दंत सूत्र, दांतों का सूत्र भी होता है। अब वो दांतों का सूत्र कौन सा होता है, स्थाई दांत यानी 32 दांतों का सूत्र देखिए पहले। इक्कीस 23/21:23 बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इनको इंसाइलर कहते हैं, ये आई से लिखते हैं, इनको इंसाइलर कहते हैं, इंसाइलर इनको सी से लिखते हैं, कैनाइन इनको पीएम से लिखते हैं, पीएम का मतलब होता है प्री मूलर, और ये होते हैं मूलर। ये चार प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, इंसाइलर, कैनाइन, प्री मूलर, मूलर। सामने सब लिखा हुआ है, आपका फार्मूला जो है सामने लिखा हुआ है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमूलर, मूलर। अब आप जोड़ लीजिए, देखिए कितने दांत होते हैं, 32 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस सूत्र के अनुसार 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 वही कंडीशन नीचे, ये अर्ध जबड़े का फार्मूला भैया दिया हुआ है, आधा जबड़ा जो है उसका सूत्र दिया हुआ है, 20 से आधा नीचे का दिया हुआ है और 20 से आधा ऊंचे का दिया हुआ है। तो आधे जबड़े में ऊंचे जब 8 हैं तो 2 जबड़े होते हैं, कितने हो जाएंगे, 8 × 16 और बटे नीचे जबड़े की भी कंडीशन वही हो जाएगी, तो बराबर कितना हो जाएगा, 16। यानी कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32। ये दंत फार्मूला 21:23:21:23 होता है, कुल दांतों की संख्या ये आपकी अलग अलग होने करके निकाल दिया, कुल 32 हो गए। अब ये इंसाइलर, कैनाइन, प्रीमूलर, मूलर्स, ये चार प्रकार के दांत होते हैं। चारों प्रकार में हम आपको बताए दे रहे हैं किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे, विधवा समझने का आप प्रयास करिए।
बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए आधे जबड़े में सामने से ऊपर लीजिए, दो चौड़े दांत लगे हैं इधर और दो इधर लगे हैं, और यही कंडीशन नीचे भी दी है, यानी चार चौड़े दांत नीचे लगे हुए हैं, चार ऊंचे लगे हुए, यानी दो ये नीचे हैं आधे जबड़े में, दो ऊंचे ऊपर जबड़े में, तो ऊपर कुल हो जाएंगे चार और नीचे भी कितने हो जाएंगे, चार, चार चार आठ ही हुए। एक एक कैनाइन दांत दिया हुआ है, ये आप देखा होगा एक ऊंचे और एक नीचे आधे जबड़े में, बहुत ही नुकीले दिए होते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपने देखा होगा कुत्तों में बहुत ही नुकीला एक दांत दिखाई देते हैं इधर उधर, बहुत ही भाले जैसी संरचना में, इस प्रकार से नोक उसमें पाए जाते हैं, इस प्रकार से दांत दिखाई देते हैं, ये नुकीला दांत एकदम, ये हम लोगों में भी पाए जाते हैं, जो इधर इनका मुख्य काम जो होता है वो चीरने फाड़ने का कार्य, जैसे आप बनना फाड़ते हैं या कुछ भी आपको जो कठोर चीज होती है उसको जो फाड़ने का कार्य करते हैं वो कायनाइन तीज के द्वारा ही करते हैं। और ये जो दांत होते हैं इंसाइडर, ये सिर्फ काटने का कार्य करते हैं, जैसे रोटी है, फल है इत्यादि को काटने का कार्य ये दांत करते हैं, लेकिन चीरने फाड़ने का कार्य ये नुकीले दांत ही करते हैं, जो मुख में कुल चार पाए जाते हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, इनकी संख्या कुल चार होती है। संख्या, कार्य, संरचना सब कुछ हम साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं। फिर आपका प्रीमूलर दिया है, ये जो प्रीमूलर दिए हैं इनको दाढ़ का दी सीधे कर लीजिए, जिनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है या पीसा जाता है, ये आपके दो इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर, इनकी संख्या भी आपकी कुल आठ हो गई। इनके द्वारा भोजन को खूब कसके चबाया जाता है या ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं या पीसने का कार्य करते हैं, हर दांत का कार्य हम आपको बताते चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये काटने का कार्य करते हैं, चिड़ने फाड़ने का कार्य करते हैं, ये पीसने का कार्य करते हैं भोजन। फिर आपका आगे आ गया मूलर, मूलर का मतलब आप ये समझ लीजिए मुद्दर जैसे दांत, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये सबसे पीछे पाए जाते हैं और ये बहुत ही चौड़े होते हैं, इस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है, बहुत ही चौड़े होते हैं, ये सबसे पीछे भाग में पाए जाते हैं, बहुत ही चौड़े होते हैं, इनकी संख्या ये आपके लिए है, छः ऊपरी जबड़े में होते हैं, तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर, यानी छः छः बारह, इनकी संख्या कुल मुख में बारह, इनका कोई विशेष योगदान नहीं होता है, लेकिन जब ये आपके दांत प्रीमूलर्स गड़बड़ करते हैं या कुछ लोग नहीं गड़बड़ कर रहे हैं फिर भी अपने सभी दांतों का उपयोग करते हैं, भोजन को सबसे पीछे लेके जाते हैं जीभ की सहायता से, फिर वहाँ पर उसको चबाते हैं, या कुछ लोग बीच में, या कुछ लोग भोजन को चबाने के लिए अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स या वस्तुओं को खाते पीते रहते हैं जिससे दांतों का व्यायाम होता रहे या दांतों का एक्सरसाइज भी होता रहे, जैसे कुछ लोग गन्ना खाते हैं उससे उसका एक्सरसाइज होता है, कुछ लोग काटने वाली चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज भी आपको ज़रूरी है, और दांतों की एक्सरसाइज क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के भोज पदार्थों का यूज करना, उपयोग करना, ये चार प्रकार के दांत होते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसमें कृंतक, रदनक, अग्रचोरड़क, चौरड़क हिंदी होती है, कृंतक, रदनक, अग्रचोरड़क, चौरड़क, कृंतक और फिर रदनक होते हैं, इनको जो है कृंतक कहते हैं दांत, देख लीजिए हिंदी में बता रहे हैं कृंतक, एक ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दो नंबर दिया हुआ है, टू पॉइंट है आपके रदनक, कृंतक, रदनक और ये आपका तीसरा नंबर है अग्रचोरड़क,
अग्निचरण, और ये आपका जो चौथा नंबर है ये आपका दिया है चवर्ण। ये चार प्रकार के दांत हिंदी अंग्रेजी दोनों हमने आपको बता दिया, और इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि इनका जो फार्मूला दिया है, जो 32 दांतों का फार्मूला दिया है यानी परमानेंट जो दांत होते हैं, इस फार्मूले को आप अपने संज्ञान में डाल लीजिए। कारण है ये चीज़ आपको 10th में भी मिलेगी, 11th में भी मिलेगी और 12th में भी मिलेगी। अब कारण ये है कि आप कौन किस साइड से पढ़ रहे हैं, कला और पढ़ रहे हैं या होम साइंस पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हो, तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आपके टच में बायोलॉजी रहेगी तो ये बिल्कुल आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप यहीं से विधिवत समझने का प्रयास करिए। और अब हम आपको अस्थायी दांतों का फार्मूला भी बता दे रहे हैं, बस अपने टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं यहीं पे। देख लीजिए अस्थायी दांतों का सूत्र, अस्थायी दांतों का जो सूत्र होता है वो 21-20/21-20 होता है, वो आपके सामने लिखा भी और वही चलेगा सर जो स्थायी दांतों को पढ़ाई शायद कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर, ये नील होते हैं। सीधे कहें ये दांत जो है बच्चों में नील होते, ये नहीं पाए जाते, इनकी अनुपस्थिति पाई जाती। ये दंत फार्मूला जो है अस्थायी दांतों का है, अर्थात जो दूध के दांत पाए जाते हैं इनको अस्थायी दांत कहिए, या कि फिर जो है दूध के दांत भी इनको कह सकते हैं, दूध के दांत। इनकी संख्या कुल 20 होती है, आप जोड़ लीजिए 3, 2, 5 बराबर 5/5 पूरे 2 आपको आ जाए 5×10/10 बराबर 20। कुल टोटल दांत जो है, टोटल दांतों की संख्या जो है 20 होती है। अब अगले दिन हम आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।